हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स की टॉप 30 एमसीक्यूज, जिनको हम सब डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स इज़ अ डैश प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स कौन सा प्रोग्राम्स है? ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस, डेटा एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर्स क्या होगा? प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम्स। इसमें हम किसी भी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द पावर पॉइंट्स प्रोग्राम्स वाज क्रिएटेड बाय डैश। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स प्रोग्राम्स किसने क्रिएट किया है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस डी पार्ट, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस आस्टिंस। नेक्स्ट क्या है? इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पावर पॉइंट्स वॉज ऑफर्ड इन डैश। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फर्स्ट टाइम्स पावर पॉइंट्स कब डाला गया था? तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए पार्ट, 1990s में। नेक्स्ट क्या है? वट इज द डिफॉल्ट फाइल्स नेम्स ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में जो ही आप ओपन करते हो तो उस टाइम्स वो फाइल्स कौन से ऑप्शन से सेव होती है? यानी प्रेजेंटेशंस, माई प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस 1 या डिफॉल्ट। राइट आंसर्स क्या होगा? प्रेजेंटेशंस 1। नेक्स्ट क्या है? वट इज़ द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ पावर पॉइंट फाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में फाइल एक्सटेंशंस कौन सी होती है? तो राइट आंसर्स क्या है? .ppt.ext। नेक्स्ट क्या है? विच कमांड इज यूज टू ओपन पावर पॉइंट डायरेक्टली इफ इंस्टॉल्ड फ्राम द रन डायलॉग्स बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पावर पॉइंट इंस्टॉल्स किया गया हो तो आप कौन सी कमांड्स यूज करते हो शॉर्टकट ओपन्स के लिए? तो राइट आंसर्स क्या है? पावर्स PNT। जो ही आप विंडोज के सर्च बटन में पावर PNT इंटर करेंगे तो आप सीधा क्या पावर पॉइंट्स ओपन होगा आपके पास। नेक्स्ट क्या है? वट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। अगर आप चाहते हो कि आप एक न्यू स्लाइड्स क्रिएट करें तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो पावर पॉइंट में? तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी पार्ट, Ctrl+M। जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या एक न्यू स्लाइड्स क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्या है? वट इज़ द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मान लो आप किसी भी स्लाइड्स पे अगर काम कर रहे हो तो जिस स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हो उसको आप चाहते हो कि वो स्लाइड्स डिलीट हो तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में? तो राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस डी, यानी डिलीट्स और बैक स्पेस। नेक्स्ट क्या है? ए पावर पॉइंट डैश इज अ पैटर्न आर ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड आर ग्रुप्स ऑफ स्लाइड। तो राइट आंसर क्या है? टेम्पलेट। नेक्स्ट क्या है? ए पावर पॉइंट टेम्पलेट्स इज सेव्ड एज डैश फाइल्स। पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स कौन सी फाइल से सेव होता है? तो राइट आंसर क्या है? .pot.ext। नेक्स्ट क्या है? द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्लोज अगर चाहते हो करना तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? तो राइट आंसर्स क्या है? Ctrl+Q। जो ही आप प्रेस करोगे तो पावर पॉइंट्स क्या खुद ही क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वट इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द करंटली सिलेक्टेड स्लाइड्स। आप जिस भी स्लाइड्स को सिलेक्टेड की हुई होगी अगर आपने आप चाहते हो कि उसमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट हो तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शंस चूज करोगे इन चार ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्या है? अंडर विच मेन्यू द ऑप्शंस फॉर ड्रॉ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर्स चार्ट्स आर अवेलेबल। यानी कौन से मेन्यू के अंडर
आपके पास ड्रा, इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स, चार्ट्स अवेलेबल्स होते हैं। होम, इंसर्ट, ड्रा या ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर्स क्या है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये जितने भी हैं ये क्या अवेलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन लाइव किया जाए तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या है? F5। F5 आप जो ही प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी स्लाइड्स पे आप काम कर रहे थे वो क्या एक प्रेजेंटेशन में क्रिएट हो जाएगी, यानी पूरे स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड्स दिखेगी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप चाहते हो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड शो हो रही है उसको रोक ले यानी स्टॉप्स कर ले, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो? तो राइट आंसर क्या है? F5। F5 जो ही आप प्रेस करोगे तो जिस भी स्लाइड्स पे आप काम कर रहे थे वो क्या वो रुक जाएगी। नेक्स्ट क्या है? लाइव प्रेजेंटेशन फीचर्स वॉज एडेड फ्रॉम विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स वर्जन्स। लाइव फीचर्स कौन से वर्जन्स में स्टार्ट हुए है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स की? राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स 2013 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू स्टार्ट द स्लाइड्स फ्रॉम द करंट स्लाइड्स ऑफ अ पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F5। जो ही आप प्रेस करेंगे तो आप जिस भी स्लाइड्स को आपने सिलेक्टेड की हुई होगी वो क्या एक स्लाइड शो में क्रिएट हो जाएगी, यानी वो पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? द स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑप्शंस इज अवेलेबल्स इन द डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू में स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल्स है पावर पॉइंट्स में? होम, इंसर्ट, रिकॉर्ड्स, बोथ बी एंड सी पार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी पार्ट, इंसर्ट में भी और रिकॉर्ड में भी। नेक्स्ट क्या है? द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर शोइंग्स आर हाइडिंग्स द ग्रिड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या है? शिफ्ट प्लस F9 से आप क्या किसी भी डेटा को हाइड कर सकते हो या शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन अ पावर पॉइंट स्लाइड्स। मान लो आपने कोई भी पावर पॉइंट्स में एक स्लाइड क्रिएट की हुई होगी और आप चाहते हो कि उसको आप एनिमेट्स करें, तो जो ही आप एनिमेट्स यानी सेलेक्ट करोगे जिस भी पोर्शंस को तो उस टाइम्स एक डिफॉल्ट कलर स्पेंस आपके पास आएगा, तो उस कलर्स का आपने नाम बताना है कि वो कलर्स किस में होगा, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में या येलो में। तो राइट आंसर क्या होगा? रेड। नेक्स्ट क्या है? विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर्स व्यू। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्या है? द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक, यानी शॉर्टकट की आपने बतानी है मीडिया प्लेबैक्स को रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑल्ट प्लस Q। नेक्स्ट क्या है? द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू शो हाइड्स इंक मार्कअप। तो राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस M से आप क्या कर सकते हो मार्कअप को हाइड्स या शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स आर इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें लेआउट्स कितनी टाइप्स की होती हैं? तो राइट आंसर क्या है? 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड्स लेआउट्स। पावर पॉइंट्स में डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स लेआउट्स कौन सा ऑप्शन है इन 4 ऑप्शंस में से? टाइटल स्लाइड्स, ब्लैक स्लाइड्स, कंटेंट स्लाइड्स या नन ऑफ एबो। तो राइट आंसर क्या है? टाइटल स्लाइड्स। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शेयर करें और कमेंट्स करें।